दोस्तों आज 30 नवंबर है और रेडमी ने अपना एक नया फोन को लॉन्च किया है। इंडिया का स्मार्टफोन उसको नाम दिया गया है रेडमी 5A। दोस्तों ये फोन दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों देखने में तो काफी अच्छा फोन है। और अब दोस्तों एक बात कर लेते हैं कि रेडमी ने जियो के साथ मिलकर एक ऑफर लॉन्च किया है अगर आप ये फोन खरीदते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, क्या है वो ऑफर और कैसे उसे एक्टिव करना है, क्या क्या उस ऑफर में मिलेगा और कहीं कंपनी आपको बेवकूफ तो नहीं बना रही, तो दोस्तों हम इस वीडियो में आगे ये सब देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं समरजीत सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्योर टेक टॉक। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन सभी वीडियोस को देख सके। तो आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें आपको रेडमी 5A में मिल रहा है, क्या ऑफर जियो की तरफ से निकल कर आया है और क्या हमें उसमें कुछ फायदा होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, रेडमी 5A में दो वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं और जिसपे की आपको 4999 रुपए का पहला वेरिएंट 2 GB रैम और 16 GB रोम मिलेगा और दूसरा वेरिएंट है जिसमें आपको 3 GB की रैम और 32 GB का रोम मिलेगा। तो दोस्तों इसके साथ कंपनी ने, जियो कंपनी ने रेडमी के साथ मिलकर एक ऑफर निकाला है। उस ऑफर में आपको 199 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ेगा पूरे एक साल तक, यानी कि पूरे 12 महीने तक, और उसके बाद आपको 1000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ और आप एक बार खुद सोचिएगा और फिर बताइएगा कि कंपनी ने सिर्फ ये नाम का ही रखा है या फिर आपको कुछ इससे फायदा भी होने वाला है। कंपनी ने ऑफर सिर्फ इसलिए रखा है 1000 रुपए कैशबैक ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदे। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जब से जियो का फोन आया तो कैशबैक की तो जैसे बाहर लग गई है। जियो फोन ने बोला कि हम अपना फोन 3 साल बाद वापसी लेंगे, फिर एयरटेल ने फोन लॉन्च किया, एयरटेल ने बोला कि 3 साल बाद हम आपको 1500 रुपए देंगे, ऐसे ही फिर वोडाफोन ने लॉन्च किया कि आप इतने साल यूज करोगे इतना देंगे। तो दोस्तों अब उसी लाइन में एक फोन और जुड़ गया है Redmi 5A का। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी कंपनी ने सेम फंडा अपनाया लोगों को पागल बनाने का, जिसमें कि आपको बोला जा रहा है कि 1000 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि पहले 199 रुपए वाले प्लान में आपको क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों जियो का 199 वाला प्लान जो खाली Redmi 5A के कस्टमर्स के लिए ही वैलिड होगा, इसमें आपको 1 GB पर डे डाटा रोज का मिलेगा, 100 SMS आपको रोज के मिलेंगे और दोस्तों उसके अलावा आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी जैसा नॉर्मली आप पहले जियो के फोन्स में आप यूज कर रहे थे। और दोस्तों 28 दिन की इसकी वैलिडिटी होगी, यानी कि आपको अगले 12 महीने तक आपको 200-200 वाले 199 वाले आपको रिचार्ज 12 बार कराने पड़ेंगे। और दोस्तों जब आप 12 बार रिचार्ज करा लेंगे तो आपके अकाउंट में माय वाउचर्स में कंपनी की तरफ से 1000 रुपए के वाउचर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 1000 रुपए के वाउचर होंगे, लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाउचर आपको 10 वाउचर मिलेंगे 100-100 रुपए के, यानी कि जब आप अगले रिचार्जेस कराएंगे 309 या उससे ऊपर का कोई रिचार्ज तो आपको 100 रुपए उस रिचार्ज पे लेस कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये बात भी मैं आपको बता दूं, जैसे पहले वाले ऑफर की तरह सेम चीज इस पे भी है कि ये ऑफर भी आपको 100 रुपए का कूपन आप तभी यूज कर पाएंगे अगर आप माई जियो एप्लीकेशन से ही रिचार्ज करेंगे। यदि आप पेटीएम या मोबीविक या किसी रिटेलर के पास जाके पेटीएम से आप रिचार्ज करेंगे तो वो कूपन आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों काफी लोग तो ऐसे हैं जिन ऑनलाइन रिचार्जेस करने नहीं आते, माई जियो एप्लीकेशन यूज नहीं करनी आती, तो वो सारे कस्टमर्स तो लाइन से वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ये बात कंपनी को पहले से पता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो आपको 100-100 रुपए के 10 कूपन देंगे वो आप 309 या 309 से ऊपर के रिचार्ज में यूज कर पाएंगे। और दोस्तों आप अगर एक रिचार्ज 399 वाला करवाते भी हैं तो 70 दिन की वैलिडिटी आपको मिलेगी उस पे। तो दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 रुपए का कूपन आपको 2.5 महीने में एक बार यूज करना है, तो आप लगा लीजिए आपके एक साल में सिर्फ कितने कूपन यूज हो पाएंगे। तो दोस्तों आपका 1.5-2 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे कि हम इसी कूपन को यूज करते रहें, तब तक कंपनी कुछ ना कुछ प्लान चेंज कर देगी, या तो महंगे कर देगी या फिर कुछ और निकाल देगी। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी बेवकूफ मत बनिए, कंपनी की ये खाली एक टैक्टिक्स है कस्टमर को बेवकूफ बनाने की और अपना सामान ज्यादा से ज्यादा बेचने की। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।